Hello friends, welcome back to the channel. In our exam last वाले trigonometry के video में guys हम लोगों ने trigonometry में अब पिछले दो नए टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम लोग और तरीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है tan a is equals to 1 upon 3, find sin square theta plus cos square theta. अब tan a is equals to 1 upon 3 होता है, tan आपको पता होगा गाइस, tan a हमारा 1 upon 3 है, तो 1 upon 3 तो tan हमारा होता है p upon b, तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस 3 का स्क्वायर 9, 10, 3 का स्क्वायर 10, ओके सॉरी एक गलती हो गई गाइस मुझसे, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी है, ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 होगा, तो ये 1 अंडर रूट 3 होगा भाई, मैंने देखा गलती हो गई है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये अंडर रूट 4 आ जाएगा, जो हमारे 2 के बराबर आया, एच हमारा 2 आ गया। अब हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर, sin स्क्वायर क्या होता है गाइस, हमारा p अपॉन h, तो p हमारा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 क्योंकि स्क्वायर है, प्लस cos हमारा होता है b अपॉन h, cos होता है हमारा b अपॉन h, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसमें भी स्क्वायर है तो दो बार अंडर रूट 3, 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये आएगा 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 4 जो हमारा 1 आ जाएगा, ओके समझ गए गाइस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos 80 अपॉन sin 10 प्लस cos 59 इंटू cos 31, तो सबसे पहले हम लोग वही से हम लोग अपने चार्ट के जो वो था कि sin हमारा उस तरह से, cos हमारा किस में चेंज होता था गाइस sin में, तो cos 90 माइनस 90 में क्या माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, तो हमारा 10 90 माइनस 10 एन, तो हमने एक काम करते इस तरीके से भी लिख सकते हैं 90 माइनस 80 10, तो sin 10 अपॉन sin 10 इतना तो हो गया, क्योंकि ऊपर sin बदल गया, cos से sin में बदल गया, क्योंकि ये sin 10 हो गया हमारा। अब cos 59 इंटू cos 31, अब गाइस हम लोग इसको अब cos 59 हमारा आरा किस में बदल सकता है गाइस, cos 59 हमारा sin में बदल सकता है, तो cos को हम लोग sin में बदल लेंगे, तो cos 59 हमारा sin 31 आ जाएगा, sin 31 इंटू cosec 31, इतना समझ गया cosec 31 में इतना बदल गया। अब हम लोग ने ये पढ़ा है कि जब cosec 31 है तो cosec जब 1 अपॉन में चला जाएगा तो वो sin में बदल जाएगा, तो ये sin 10 और ये sin 10 तो पहले कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस sin 31, अब इसको वही जो हम लोग ने कल पढ़ा था कि ये cosec हमारा जब 1 अपॉन में चेंज होता है तो 1 अपॉन sin होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin 31, तो ये 1 अपॉन sin 31 sin 31 sin 31 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हमारा 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को 0 के बराबर प्रूफ करना है, तो लेट्स गो स्टार्ट करें। अब ये cos 70 और ये sin 20 है, तो जब cos को हम लोग 90 माइनस cos से cos को हम लोग sin में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 20, तो ये sin 20 अपॉन sin 20 आ जाएगा, sin 20 अपॉन sin 20। अब यहाँ भी cos 59 हमारा जब 90 माइनस थीटा से sin में चेंज होगा, तो ये भी sin 31 आ जाएगा, ये देखने में कितना टफ लगता है लेकिन ऐसे देखो कितना इजी हो गया, अब आप लोग को अच्छे समझ में आने लग जाएगा, तो इतना हो गया। अब माइनस माइनस 8 sin स्क्वायर अभी ऐसे उतार लेते हैं 30, तो ये sin 20 sin 20 कैंसिल, ये sin 20, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। अब गाइस हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में ये sin स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, मतलब sin 30 की हमारी वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 4 क्योंकि उसका स्क्वायर और उधर 2 इधर 2, मतलब 2 माइनस 2 हमारा 0 आंसर आ गया, लेट्स गो, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत आसान था।
जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, पर ये थोड़ा सा चेंज है, पर उसमें सिन और कॉस था, इसमें टैन और कॉट है। अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। तो ये टैन बी अपॉन सी इज अपॉन टू को कॉट ए अपॉन टू के प्रूव करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, अब आपको ये पता होगा ए ट्राइंगल जो होता है ए बी सी, उसमें थ्री साइड्स होते हैं, तो तीनों साइड्स का सम 180 होता है, इतना तो आपको पता है। अब हम लोग अगर इसमें एंगल ए को उधर लिया जाए तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, क्योंकि ए उधर चला गया। अब हम लोग एल एच एस और आर एच एस में दोनों में टू से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। ओके, तो 180 अपॉन टू ये 90 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन टू। अच्छा, इतना समझ गए। अब हम लोग गाइस क्या करें, दोनों साइड हम लोग टैन ले लें, मतलब टेकिंग टैन इन बोथ, टेकिंग टैन इन एच एस एंड आर एच एस, मतलब दोनों साइड। तो ये हो जाएगा टैन b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस ए अपॉन टू। अब tan हमारा जब 90 थीटा वाले से किस में बदलता है, cot में, तो ये 90 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल्स टू cot a अपॉन टू, समझ गए। ओके गाइस, बहुत इजी था ना, बस थोड़ा सा वेट चेंज हुआ था। ओके तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थिन सिन थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो पहले सिन थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा को हम लोग जब 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग सिन 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो अब ये कंपेयर हो जाएगा, दोनों साइड हमारे सिन है तो कंपेयर हो जाएगा, तो ये सिन सिन हट जाएगा, तो tan प्लस 36 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा प्लस 36। तो ओके, अब ये 90, अब ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 2 थीटा एंटर इज इक्वल टू हमारा 90 माइनस 36 हमारा 34, तो थीटा हमारा आ जाएगा 34 अपॉन 2 जो होगा 2 ones are 2, 2 20, 2 sorry, ये हमारा आ जाएगा 54, मैंने गलती से 34 लिख दिया, 54 आएगा हमारा ये 54, तो ये हो जाएगा आएगा 2 to the 4, 2 to the 27, थीटा हमारा 27 आ गया। ओके गाइस, समझ गए, एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आज कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ाई, मैंने आज आपको पुरानी चीज़ों का रिवीजन करा दिया, जितने भी थोड़े थोड़े टाइप्स के कुछ बचे थे, लेकिन मैंने आपको मोस्टली जो रिसेंट में पढ़ा था मैंने आपको बता दिया। और कल का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैथ्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास को कैसे प्रूविंग करने वाले वो पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट चीज़ होने वाली है। अब हमारे तीन वीडियोज और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तीन ही वीडियोज आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं आज का वीडियो यही करता हूँ, पसंद आए तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।